मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने पिछले 4 साल के इनकम टैक्स रिटर्न ना भरकर मोदी सरकार की नीतियों की पोल खोल दी है और रामस्वरूप शर्मा ने 4 साल तक अपनी आईटीआर क्यों नहीं भरी, ये आरोप मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने लगाए। मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने पिछला 4 साल के इनकम टैक्स के रिटर्न ना भरकर मोदी सरकार की नीतियों की पोल खोल दी है। रामस्वरूप शर्मा ने 4 साल तक अपनी आईटीआर नहीं भरी और अब 22 अप्रैल को 4 साल की रिटर्न भरी हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां मोदी सरकार डिजिटल इंडिया का ढोल पीटती है तो वहीं उनके सांसद रिटर्न ना भरकर सरकार की पोल खोल रहे हैं। शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब भाजपा को अपना उम्मीदवार रामस्वरूप पर भी विश्वास उठ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा के नामांकन पर आयोजित रैली को देखकर भाजपा के पैरों तले जमीन भी खिसक गई है। इसी के चलते भाजपा ने 2 दिन बाद ब्रिगेडियर खुशहाल का नामांकन कवरिंग कैंडिडेट के रूप में करवाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1.5 साल पहले पार्टी में शामिल हुए लोगों को पटका पहनाकर दोबारा भाजपा में शामिल करने का भी ड्रामा किया है, मगर कांग्रेस उम्मीदवार की नामांकन रैली में बल से दिग्गज नेता महंतराम चौधरी भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शीघ्र ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा रामस्वरूप शर्मा की हार को देखते हुए बौखलाहट में भ्रामक प्रचार करने में लगी है कि अगर रामस्वरूप हार गए तो मंडी से सीएम पद चला जाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लोग 2022 में उनके कार्यों का हिसाब मांगेंगे, अब तो केवल सांसद से उनके कामों का हिसाब मांगा जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को सांसद की नाकामियों का बोझ ढोना पड़ रहा है। जो यहाँ पे भाजपा सांसद की नाकामियों का बोझ उठाते उठाते थक चुकी है, ब्रिगेडियर खुशहाल जी को कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे उतारा जा चुका है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले भी रामस्वरूप के प्रत्याशी बनने पर सवाल खड़े हुए थे। आज वही जब खुशहाल जी ने इसका कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे पर्चा भरा तो वही सवाल आज हमारे पुख्ता हुए कि जनता में रामस्वरूप की हार तय है। और दूसरी बात कि मोदी सरकार टेलीविजन पे हर जनसभा में, हर जलसे में चीखते हैं, चलाते हैं, शोर करते हैं, शराबा करते हैं कि हमने इनकम टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। यहाँ पे भारतवासी जो इनकम टैक्स पे नहीं करते थे वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि उनके सांसद महोदय रामस्वरूप जी 2014 के बाद आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, जो बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय और भाजपा जो पदाधिकारी है और भाजपा हाईकमान इसकी कॉन्फिडेंस में, इसका संज्ञान में, और हम जनता ये भी देखना चाहती है कि भाजपा और मोदी सरकार अपने संसद पे क्या कार्रवाई करने वाले हैं, जिन्होंने लगभग 4 सालों की आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं की, जो एक नैतिकता के आधार पे और एक ऑफेंस है, जो हमारी जो इनकम टैक्स जो टैक्स ये जो रूल्स है, एक्ट है, इसके अनुसार एक ऑफेंस है और इसकी जिम्मेवारी रामस्वरूप को लेनी चाहिए और भाजपा हाईकमान को उनके एक्शन करना चाहिए। सत्य जी, जो उनको लगता है कि उनके नेतृत्व में भाजपा गर्त में जाने वाली है, तो बौखलाहट में बिना तथ्यों के अपना एक तो मानसिक संतुलन खो बैठे अपनी हार से और ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं जो कि इस देवभूमि पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी सत्ती जी को कहना चाहती है कि आपका मानसिक संतुलन आप बिगड़ चुका है, आपका मानसिक संतुलन खो चुका है, तो जिला कांग्रेस कमेटी आपकी भाषा का प्यार से जवाब देना जानती है। जब सतपाल सत्ती जी अगर यहाँ पे मंडी शहर में अगर आएंगे तो जिला कांग्रेस कमेटी उनको फूल देके उनका स्वागत करेगी और उनको गेट वेल सून बोलेगी। कि हम भगवान से भी ये प्रार्थना मांगते हैं कि भगवान उनका मानसिक संतुलन जल्दी से जल्दी ठीक करें और हम उनके घर भी यहाँ से फोन भिजवाने वाले हैं कि सतपाल सत्ती जी गेट वेल सून। पहले
पहले ऐसे नेता है प्रदेश के जिसको चुनाव आयोग ने 3 नोटिस दिए। शायद इसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं कि इसके बराबर रिकॉर्ड ही ना तोड़ सके, पर ये शर्मनाक बात है सकती है। और दूसरा